Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Thank you.
माधव बाबू माधव जी ये कीर्तन धरिए तो माधव बाबू बहुत अच्छा बन गया दोनों को एक प्लेट दे दीजिए पंचतत्व फिर महामंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीलाद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद जय श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल जय गुरु देवा 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ और आप सब लोग बड़े ही दिनों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी वो मौका वो क्षण आ गए हैं। जब कभी जंगल में आग लगती है बड़ी भयंकर आग लगती है उस समय वहां के पशुओं को बचने का कोई उपाय नहीं मिलता। छटपटाते हैं मरने के लिए जल रहे हैं भुन रहे हैं बस एक ही आस होती है कि अगर कभी ऊपर बदली आ जाए और बारिश कर दे तो आग बुझा सकती है वरना आग नहीं बुझ सकती। भगवान करुणा के सागर कहे गए हैं हमारे सारे शास्त्रों में। पर जंगल में आग लगी है तो सागर के पास वो जंगल के पक्षी सागर के पास वो जंगल के पक्षी कैसे जाएंगे।
भगवान की वही कृपा बादल बन के आती है और इस तरह से इस संसार के भव जंगल में हम छटपटाते हुए जलते हुए दावानल में भस्म होते हुए हम लोगों पे कृपा करने के लिए ऐसे अपने भागवतों को भगवान यहाँ भेजते हैं। श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथ और स्वयं भागवत जो ऐसे ग्रंथ के वक्ता होते हैं आत्मसात किए हुए बहुत ही दुर्लभ है हमें प्राप्त हो जाए। हमारे ब्रह्मा जी से आ रही भगवान के द्वारा दी हुई एक परंपरा जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने और आगे बढ़ाया जिसको हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा कहते हैं। ये वो धारा जिसमें से ये भक्ति का अमृत एकदम वैसे का वैसे जैसे भगवान के मुखारविंद से निकला हम लोगों को प्राप्त हो रहा है जिसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं हुई है। ये परंपरा जो उस भक्ति के अमृत को लेके हमारे सामने आ रही है महाराज जी के मुखारविंद से जो कि उसी परंपरा के एक अटूट और नायाब जोड़ है वो अमृत को हम प्राप्त करेंगे। महाराज जी मथुरा वृंदावन में बड़े भक्ति का प्रचार कर रहे हैं बड़े आराम से वहां पे उनके अनेक भक्त हैं लेकिन सारे विश्व के लोग भक्त महाराज जी को इस उम्र में भी सारे विश्व में बुला रहे हैं और उन पे करुणा करने के लिए ये करुणा की बदली मथुरा वृंदावन से आपके सामने आपके लिए वृंदावन को लेके ब्रजधाम को लेके प्रस्तुत की ये करुणा की बदली आप उस भक्ति को प्राप्त करेंगे। हम महाराज जी के अत्यंत आभारी हैं उनके चरणों में निवेदन करते हैं। जो महाराज जी भगवत कथा हमें सुनाने जा रहे हैं वो कथा हमें सुनाएंगे और हम उनकी इस कथा को सुनकर इस कथा वर्षा से आप्लावित होकर हम अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करेंगे जिसे कहते हैं कायाकल्प करेंगे। दो शब्द तुम भी इसके बाद में इनके बाद में दो शब्द बोलेगा पहले ये बोल ले। महाराज जी ने ऐसी कृपा दी कि सरस्वती मेरी जेब से चली गई क्या कहूं। ऐसे तो एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि अपने जो प्रेमी हैं अगर उनके गुण लिखा जाए सही जो जिससे हम प्रेम करते हैं जिससे हमारा काफी लगाव है अगर दुनिया के सारे समुद्र की शाही बनाई जाए और सारे पेड़ों की कलम बनाई जाए और बाद में उससे गुण लिखे जाए तो भी वो काफी नहीं है। महाराज जी की कृपा तो हम सब पर ऐसी है जैसे स्वयं भगवान कृष्ण की होती है। बच्चा अगर बाप से कुछ गलती कर देता है फिर भी बाप की कृपा तो हमेशा पुत्री पर इतनी ही होती है। तो महाराज श्री तो ऐसी एक विभूति है इनकी दया हमारी पर हमेशा है और रहेगी। आज से एक साल पहले महाराज ने जो हमें गंगा स्नान कराया था श्रीमद् भागवत की कथा देकर आज उसी गंगा के अंदर महाराज से हमें ले जा रहे हैं और उसके लिए महाराज जी के हम सदा जन्म जन्म ऋणी रहेंगे। बस यही मेरी भगवान कृष्ण से और महाराज के चरण में प्रार्थना है। तो उनके हम बहुत आभारी हैं कि वे यहाँ पे पिछले चार वर्ष से आ रहे हैं और उनकी कृपा से जो भी यहाँ पे थोड़ा सा गौड़ीय वैष्णव भक्ति का प्रचार हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हम लोग तो वास्तव में उन्हीं के द्वारा पले बड़े हैं तो
जैसे माधवानंद प्रभु ने कहा कि हम लोग बच्चे होने के नाते कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन उनकी कृपा से हम लोग अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसे भी भक्ति का प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से है। और आज वे आकर के हमारी बल को और पुष्टि दें भागवती कथा सुना करके, यही हमसे प्रार्थना है। लक्ष्मी तो काफी के भी होगे, संत संतों का मिलना बहुत ही सुकृतियों से और बहुत ही पुण्य कर्मों से होता है। मेरे को किसी एक फ्रेंड ने बताया था कि जैसे जैसे बादल होते हैं ना, वो संत लोग उसी तरह से होते हैं। सारा वो जल का वो गंध लेके और फिर उसको बरसात में बहुत शुद्ध पानी में बदल के हमारे ऊपर बरसा देते हैं। इसी तरह से संत लोग हमारी सब बुराइयों को ढक देते हैं और हमें अपने चरणों में रख के कृपा कर देते हैं, भक्ति दे देते हैं। अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती। सौभाग्य की बात है जो हम लोग आज यहाँ भागवत का प्रवचन करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं। विश्व में जितनी प्रकार की समस्याएं हैं,
सार्वदेशिक समस्याएं हैं जितनी भी, सार्वकालिक समस्त कालों में उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं और सर्व समस्त लोगों के लिए भी जितनी भी समस्याएं संसार में हो सकती है, यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए, पालन किया जाए, सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो समस्या थी, जो हो रही है, जो भविष्य में आएगी, समस्त समस्याओं का समाधान इस श्रीमद् भागवत में है। व्यास जी भगवान के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले वेदों का विभाग किया। वेद माने क्या? वेद माने होता है टू नो, जानना। कहां से संसार आया, हम लोगों का जन्म कहां से हुआ। हम चाहते हैं सुख, किंतु दुख कहां से आ गया। इस जन्म में तो हमने दुख का कोई कारण किया नहीं, तो ये दुख कहां से। पहले से एक आदमी अंधा होकर के जन्म लिया, कुछ जन्मते ही मर गया। आदमी इच्छा नहीं करने पर भी बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ी हो जाती है। इच्छा नहीं करने पर भी केश पक जाते हैं, इच्छा नहीं करने पर भी तरह तरह के रोग हो जाते हैं। डॉक्टरों को भी हो जाता है। हमने देखा कि डॉक्टर एक लंगड़े एक लूल है, एक आदमी माघी गड़बड़, ये क्यों ऐसा होता है। दूसरी बात, कहां से हम पैदा हो गए। हम सुखी हो सकते हैं, सभी सुखी होना चाहते, कैसे होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता, सुख के लिए ही सब कुछ करता है, विवाह करता है, बच्चे उत्पन्न करता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है, काम करता है, रोजगार करता है, नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय सब कुछ करता है। यहाँ तक कि हमारे समस्त देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, यहाँ पर के सब देशों के लोग मिलकर के विचार करते हैं कैसे लड़ाई रोका जाए, कैसे और सबको रोक करके कैसे हम सुखी हों। किंतु प्रत्येक आदमी को मरना अनिवार्य है, कोई नहीं रोक सकता। बूढ़ा होना भी अनिवार्य है। ये सब समस्या है, और तो समस्याएं जो है सही है। इन समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत में खूब आसानी से हो सकता है। गीता और ये रामायण दो चीज ऐसा है जिसमें सबका समाधान है, यदि हम लोग अच्छी तरह से सुने और इस पर विचार करके थोड़ा भी पालन करें। यदि 1% भी यदि पालन करेंगे तो जरूर से कल्याण होगा। व्यास जी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने देखा कि जी ये सब दुखों से भरे पड़े हैं, बड़े उत्साह से पढ़ते हैं, लिखते हैं, कारोबार करते हैं और अपने बच्चों को भी भविष्य के लिए तैयार करने की सब चेष्टा करते हैं, किंतु मरते समय में खाली हाथ और दुखी होकर के सभी जाते हैं। क्यों? इसलिए उन्होंने सबसे पहले वेद का प्रकाश किया। कौन? भगवान स्वयं ने। वेद माने जानना, जितनी जानने की चीजें हैं, हो सकती हैं, सब जिसमें है उसको कहते हैं वेद। वेद शब्द का व्युत्पत्ति भी जानने से हुआ, जिसमें सारा जानना सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता, इसलिए उनको वेदत्रयी कहते हैं। उसके जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। ये वेद जरा संस्कृत भाषा में, बहुत कठिन भाषा में, प्राचीन भाषा में थे, इसलिए द्वापर तक के लोग समझ न सके, जरा कठिन होने से। जैसे अभी संस्कृत भाषा तो बड़ी अच्छी है, इसमें सारे कल्याण की खान के, किंतु जानते नहीं हैं।
इसलिए उन्होंने वेदों का विभाग करके और उसका सरल अर्थ करके पुराण बनाए। जैसे हम आज जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन कहते हैं, परपट कहते हैं, उसका भाव कहते हैं, सार कहते हैं, वैसे उन्होंने पुराण बनाए। पुराणों के जाने बिना वेद का तात्पर्य नहीं होगा। वेदों के अंतिम भाग को, सार भाग को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद जिसके ऊपर समीप जाने से, उपनिषद जाने से वो भगवान के निकट हो सकते हैं। जन्म मरने से और दुखों से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को सार मंथन करके वेदांत एक सूत्र लिखा जिसको कहते हैं वेदांत या ब्रह्म सूत्र। उसका अर्थ उन्होंने लिखा, सब कुछ कर करके तैयार किया, महाभारत इत्यादि को भी, महाभारत जिसको कहते हैं, महाभारत की भी उन्होंने रचना की। और उसमें बड़ी छोटी छोटी साधारण जगत की विषयों को लड़ाई युद्ध के माध्यम से उन्होंने भागवत महाभारत की रचना की, जिसको स्त्री, जिसको बुद्धि नहीं है वो भी, जो दुष्ट कार्यों में रत हैं वो भी, सभी प्रकार के लोग, जिसको बुद्धि भी कम है वो लोग भी इसको सहज रूप में पढ़ सक करके थोड़ा सा समझ सकते हैं, ऐसा महाभारत की भी रचना की। रचना करने के बाद में भी बड़े दुखी कुछ थे, मैंने सब कुछ किया किंतु मैं सुखी नहीं, क्या मेरे अंदर में कुछ कमी रह गई, कुछ कमी है, और इसी प्रकार की चिंता कर रहे थे। उसी समय में नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी उनके गुरु हैं। नारद जी ने कहा, जी देखो तुम तो बहुत बुद्धिमान आदमी हो और जगत में सबसे धार्मिक हो, धर्म की जितनी ग्रंथ है सब तुमने बनाए और लोगों को शिक्षा दिया, इसलिए जगत के तुम गुरु हो, भगवान के अवतार हो, किंतु तुम्हें देख रहा हूं तुम्हारे मुख में कुछ उदासी सी झलक रही, क्यों मालूम होता है जी, कुछ कमी है क्या? उन्होंने कहा, जी मैं जो आपने कहा वो सब कुछ मेरे अंदर में है, सब कुछ, मैं सब कुछ से पूर्ण हूं, सारे शास्त्र बनाए, सब कुछ किया, धर्म जितना है सबको हमने बनाया, किंतु वो रोग मुझे मालूम नहीं हो रहा, ये क्या रोग है, ये तो जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, वही बतला सकते हैं। तो आप ये सब के मूल हैं, आप बतला सकते हैं कि हमारे अंदर में क्या कमी है, इसलिए आप बतलाइए। उन्होंने कहा, जो कमी एक बात की है, वैसे कमी तो कुछ नहीं है, किंतु कमी है कि तुमने जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में बतलाया, कैसे रुपए इकट्ठे किए जाए, कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे हम लोग धन उपार्जन कर सकते हैं और कैसे उसको धर्म के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और फिर हमारी जो कामनाएं हैं उनको कैसे विवाह शादी इत्यादि के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, बाल बच्चों का परिवर्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये सब आपने सब कुछ धर्म, अर्थ, काम, यहाँ तक कि मुक्ति के संबंध में भी आपने बतलाया, ये कैसे आदमी इन संसारिक कष्टों से, जन्म मरण के कष्टों से पार पा सकता है, सबने बतलाया। किंतु एक कमी आपने की कि आपने थोड़ा उलझन पैदा कर दिया। क्या? आपने कहीं तो शंकर जी को, भोलेनाथ जी को कहा, इतना लिंग बड़ा हुआ उनका जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों था नहीं लगा सके, ये कहां से आया कहां गया। और कहीं शक्ति को आपने लिखा, जी ये सब तीनों की माता हैं, वो इन्हीं से, शक्ति से, दुर्गा जी से ये सब पैदा हुए, ये सारा विश्व उन्हीं से पैदा हुआ। और जब शंकर जी के संबंध में लिखते हैं कि ये दुर्गा इत्यादि से अब जितनी हैं ये सब शंकर जी से पैदा हुए, ये सारा विश्व उनसे पैदा हुआ। और जब कभी गणेश जी से उनकी वर्णन करना आरंभ कर दिया तो मानो ये सबके मूल मालिक हैं ये गणेश है, गणेश के बिना कोई चीज की सिद्धि नहीं हो सकती है।
और जब फिर आपने गणेश के भैया का कार्तिकीय का जब वर्णन करना आरंभ किया तो फिर उसकी पुल बांध दी, जिसके समान अब कोई है नहीं, विशेष कर दक्षिण भारत वाले और किसी को नहीं रहता, कार्तिकीय को जानते हैं। इसी तरह से आपने सभी देवताओं का आपने वर्णन किया, किंतु वो भगवान दस तो भगवान हो नहीं सकते, ये पृथ्वी का सृजन और ये सब विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने दस वाले दस भगवान नहीं हो सकते। क्रिश्चियनों के अलग भगवान हैं, हमारे अलग भावना भगवान हैं, बुद्धों के अलग भगवान हैं, चाइनीजों के अलग हैं, अमेरिका के अलग गॉड हैं, इंग्लैंड के अलग गॉड हैं, हमारे इंडिया के अलग अलग हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होना चाहिए। आपने निश्चित करके ये बतलाया नहीं, खोल करके बतलाया नहीं जो वो कौन है भगवान। और दूसरी बात, उनकी लीला कथाओं को आपने वर्णन नहीं किया, जिसको सुन करके तत्व के गंभीर और दर्शन के विचारों में उलझना न पड़े उतना। दर्शन के विचार बड़े कठिन हैं, उनको सुनने से अभी दो चार बार कहें तो आप सबको नींद आ जाएगी। तो सर्व सहज रूप में, मीठे रूप में भगवान के लीला कथाओं का, वो जो भगवान स्वयं हैं, जो समस्त भगवानों के भगवान, समस्त देवियों के देवी के मूल, ये सब के मूल जो हैं एक ही होंगे वो कोई, तो वो कौन है और उनकी लीला कथाओं को आप बतलाइए, और कैसे सहज रूप में हम इस संसार को पार कर सकते हैं, फिर दुख आने की कोई संभावना न हो, माता के गर्भ में फिर हमको कष्ट न भोगना पड़े, इसलिए व्यास नारद जी ने कहा कि देखो आप इस सब का वर्णन करें। मैं कैसे वर्णन करूं, तो मैं कहता हूं ऐसा करो, अपनी बुद्धि विद्या छोड़ दो, अपनी विद्या बुद्धि छोड़ दो और उसको प्रभु के ऊपर में छोड़ दो, और जो मंत्र बतला रहा हूं उसके माध्यम से तुम चिंतन करो और सब कुछ सूत्र पर छोड़ दो। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारी समाधि में जो शुद्ध मन है उसमें आपकी लीलाएं आए और मैं उसको देख सकूं। बस उन्होंने ऐसा ही किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् परिणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च जदापाश्य। बस अपना सर्वस्व छोड़ दिया, कुछ हे प्रभो भगवान, विश्व का सृजन करने वाले समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, समस्त देवियों के भी प्रभु, आप हमारे हृदय में प्रकाशित हो। प्रचोदयात मंत्रों में हमारे हैं, गायत्री के मंत्र में और सब मंत्र में प्रचोदयात मैंने किया, प्रच उदयात, हमारे हृदय में आप निश्चित रूप में प्रकटित हों, जैसे आप हों, कल्पना मत करो, मैंने कल्पना नहीं की, जैसे आप हैं वैसे ही हे प्रभु आप प्रकट हो जाइए। बस कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने देखा हाथों में बांसुरी लिए हुए, मुस्कुराते हुए, अधरों पर रख करके सुंदर मधुर बंसी बजा रहे हैं, साथ में राधा जी हैं, गोपियां हैं, नंद बाबा यशोदा हैं, सब ब्रह्मा जितने हैं वो सब उनका स्तव स्तुति कर रहे हैं, यहाँ तक कि राम निसिंह कल्कि बामनी जितने हैं सबको उनके अंदर में देखा, दुर्गा उनके चरणों में, गणेश शंकर इत्यादि तो बहुत दूर बहुत दूर, जो लोग उनका स्मरण करते हैं वो तो मुक्त होकर के भगवान के चरणों में जा रहे हैं, और जो लोग उनको भूल रहे हैं वो माया में चक्कर में पड़ रहे हैं। उनको लीला और सब पुराण में उन्होंने लिखा, सब जीवों को चाहिए कि भगवान की भक्ति करें ना, उनकी उपासना करें, उनका ध्यान करें, चिंतन करें, किंतु यहां पर उसने नारद जी की कृपा से उन्होंने देखा क्या, जो वो जो कृष्ण हैं अपनी मैया की गोदी में चढ़कर और दूध पीने के लिए रो रहे हैं, मचल रहे हैं, वो ब्रह्मा। हम भगवान की तपस्या करते हैं, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि ने कितनी कठोर तपस्या की, किंतु भागवत का संदेश क्या है,
भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। नंद बाबा जी की जूती अपने सिर पर लेकर के दौड़ करके आ रहे हैं, नाचते नाचते आ रहे हैं। हम और सब पुराणों में देखते हैं कितनी आराधना करने के बाद में तब भगवान पाए जाते हैं। और भागवत का क्या है, हमारे ऊपर में उनका इतना प्रेम है कि प्रेम से यशोदा मैया उनको बांध देती है, जिसको आज तक कभी नहीं किसी ने बांधा। एक दो नहीं, लाखों ब्रह्मा, लाखों शंकर, लाखों विष्णु, ये सब उनकी आराधना करते हैं। समस्त भगवानों के भगवान स्वयं वह हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत के उसमें उस समाधि में देखा शंकर जी जो ये हैं, पंचमुख शंकर गया तो ये गोपी बन करके वृंदावन में उनके चरणों की उपासना करते हैं, गोपियों की आराधना कर रहे हैं। गोपीश्वर महादेव उनका नाम। ब्रह्मा जी था नहीं पा सके उनका, और जिनको विष्णु कहते हैं वो भगवान के अंश के अंश के अंश के कला के विकला हैं। विष्णु जो जगत का ये सृजन करके पालन करके उसमें अंतर्जामी के रूप में रहते हैं। दुर्गा जी राधा जी से अलग नहीं है। कृष्ण के साथ में राधा जी हैं नित्य जगत में, और वही जब जीव भगवान को भूल करके विरुद्धाचरण करता है, भगवान को नहीं मानता है, तो वही राधा जी अपने ये संसारिक रूप में आकर के दुर्गा बन करके संसार रूपी दुर्ग की रचना करती, उन्हें कठोर यंत्रणा देती हैं, उन्हें शुद्ध करके भगवान की, तब उनका नाम महामाया बन जाता है। और उनका नाम उस जगत में योग माया, वो राधा जी की शक्ति। इसलिए कोई भी चीज उनसे अलग नहीं। ये जितने भी देवता संसार में हैं, गणेश और दूसरे दूसरे देवी इत्यादि सब जितने भी हैं, भगवान की विभूति है, अलग कुछ नहीं है, सब भगवान की विभूति है। हम लोग भगवान से अलग नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं जितने। अभी देखिए हम दूसरे से लड़ते हैं कितनी समस्याएं हैं, किंतु हम लोग उन्हीं से निकले हैं, तो भारी हुए कि नहीं हुए, इसी का नाम है विश्व प्रेम। उसमें भगवान को छोड़कर के और कोई अलग से कुछ ही नहीं है। असुर भी उनसे अलग नहीं, जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको असुर कहते थे, जो भगवान को मानते हैं उनको भक्त देवता कहते थे। इसलिए कोई भी भगवान से पृथक नहीं है। उन्होंने भागवत की जितनी लीलाएं हैं बड़ी सरस रूप में वर्णन की, और कृष्ण को स्वयं भगवान बनाया, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और तब भागवत की लीला कथा को उन्होंने स्वयं लिखा, और सुखदेव जैसे आदमी को, सुखदेव कैसे, जिसको शरीर का होश नहीं, नंगे, उनको कोई समस्या नहीं है, जन्म मरण से परे हैं, ऐसे निवृत्त जो हैं संसार से, उनको पढ़ाया, साधारण लोगों को नहीं, उनको पढ़ाया भागवत। उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी, भगवान की गुण ही ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे महापरम विरक्त जगत से मुक्त लोग भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। इस सब का कथाओं का हम संक्षेप में, 6-7 दिन का यहाँ प्रोग्राम है कि 8 दिन का है, कितना दिन का, 6 दिन। हाँ, तो जितना दिन का प्रोग्राम है इसमें हम लोग सरल सहज रूप में, जिससे सभी बोधगम्य भाषा में उसको समझ सके, ऊपर से हम नमक और मिर्च नहीं मिलाएंगे, कुछ भी नहीं, जैसा है एज इट इज, किंतु सरल सहज बोधगम्य और मधुर भाषा में हम कहने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि आप लोग भी समझ करके सहज रूप में उसका पालन कर सकें। एक समय की बात थी कि वृंदावन में एक स्त्री आई, बड़ी ही सुंदरी,
16 वर्ष की थी। अब उसकी सुंदरता का बखान करना बड़ा मुश्किल, और वो रो रही है। दो आदमी वहां पर, दोनों वृद्ध, केश पके हुए, दांत टूटे हुए और कुछ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं वहां, और उन्हीं दोनों को अपने हाथों से सहलाती हुई ये बेचारी रो रही है। इतने में नारद ऋषि वहां पर पहुंचे। नारद जी ने कहा, जी आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा, जी आप कौन हैं? तो लोग मुझे नारद कहते हैं। ओ, आप नारद हैं? बड़ी खुश हुई, आज हमारे क्लेश सब मिट जाएंगे, मैं बहुत दुखी। आप क्यों दुखी हैं? तो लोग मुझे भक्ति कहते हैं, मेरा नाम है भक्ति। ये जो देख रहे हैं, ये दोनों हमारे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। हम लोगों का जन्म हुआ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत कहाँ? मद्रास के अंदर इत्यादि में, उधर में कावेरी नदी इत्यादि, जहाँ पर रामानुज का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पर श्रीरंगम मंदिर है, जहाँ पर भक्ति की लहर वहाँ से पैदा होती है, वहाँ पर हुआ जन्म तीनों का। पहले हमारा जन्म वहीं पर हुआ और हमारे ये दोनों बेटे हुए। माने जहाँ पर भक्ति भगवान के प्रति, वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य अपनी पूर्ण मात्रा में रहेगा। ज्ञान माने क्या? कुछ जानने के लिए शेष न रहे, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म से निकला हूँ, मैं अजन्मा हूँ, इसके अंदर में आत्मा है। मत समझिए कि मैं ये शरीर हूँ। कोई भी, कोई समझते हम लड़की हैं, कोई कहते लड़का है, कोई हम धनी है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, हम बूढ़े हो गए हैं, नौजवान हैं, ऐसा नहीं। आत्मतत्व की दृष्टि से हम ब्रह्म से निकले हैं और इस शरीर के अंदर में आत्मा है, वो अजर अमर है जैसे भगवान है। किंतु भगवान से विच्छेद होने के कारण, भगवान को किसी कारण से, विशेष कारण से हम भूले हुए हैं। भूलने से क्या हो गया? ये जो दुर्गा है, वो उन्हें पकड़ करके हमारा गला और इस शरीर में डाल दिया। ऊपर से ये पंच भौतिक शरीर और भीतर में एक मन बुद्धि अहंकार का एक और सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर में आत्मा, और उस आत्मा के अंदर में परमात्मा, ये सब सारी चीजें। शरीर का देखिए जी कैसा, डॉक्टर लोग कितना ये सब एक एक पार्ट का कैसा कैसा विश्लेषण करते हैं, कहां कहां धमनियों में कैसे कैसे रक्त इसमें चलता है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्यों बंद हो जाता है ने? तो भी ये आत्मा नहीं है, आत्मा इसके अंदर में है। इसका रियलाइजेशन करना भी सहज नहीं है और सहज भी है, तो हम तो वो हैं किंतु इसमें पड़े हुए हैं भूल करके। तो वो नारद जी को बतला रहे हैं कि हमारा जन्म वहाँ हुआ और कर्नाटक में कुछ बड़ी हुई। कर्नाटक माने आजकल का कौन सा? बेंगलोर है, बेंगलोर इत्यादि। अच्छा, और उसके बाद में महाराष्ट्र में जाई तो और बड़ी हुई। महाराष्ट्र माने बम्बई प्रदेश, और वहाँ पर से आगे गुजरात की तरफ में जब बढ़ी तो मैं बूढ़ी हो गई और हमारे बेटे भी बूढ़े हो गए। क्यों? भगवान कहाँ तो स्मरण करने वाले बहुत कम है, क्योंकि वहाँ इतना धन है, पहले था उस समय के बाद बड़े लोग धनी थे, इसलिए भगवान का स्मरण नहीं करते। धन में ही कमाने में दिन रात लगे हैं, भगवान को स्मरण करने का जैसे अमेरिका, उससे भी अधिक काम अपने भारत भूमि को भी छोड़ करके हम अमेरिका में किस लिए, हमारे पूर्वज या हम आए किस लिए? पैसे के लिए आए। वहां पर भी भोजन तो चल सा रहा था, भोजन आसानी से, भोजन की टोटी नहीं थी, सोचा जी बड़े और अधिक आराम से रहेंगे। किंतु क्या आराम हुआ? हम तो सारे विश्व में घूम करके देखते हैं, वो आप ही लोग समझते होंगे, विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं।
भारत में वो चीजें हैं जो यहाँ आने से ढक सकता है, वो ज्ञान भारत का वो जो चीज है, ज्ञान है, तत्व है। आज विश्व में हमको गुरु मान रहे हैं। हमारे पहले स्वामी जी थे, विश्व में सबका प्रचार किया, लाखों करोड़ों, आप कम कल्पना नहीं कर सकते जी कहाँ। अभी ब्राजील में गया था, कहाँ कनाडा गया था, वहाँ पर पहाड़ों और जंगलों के बीच में जहाँ आदमी कभी नहीं जा सकता, वहाँ वहाँ पर नगरी बसाई है, और वहाँ पर कैसे कैसे सब भक्ति का प्रचार किया। वहाँ पर महाप्रभु जी को, जगन्नाथ जी को, राधा कृष्ण को वहाँ पर पूजा हो रही है, वहाँ पर कैसे कैसे लोग मान रहे हैं, अद्भुत प्रचार किया है। आज जगत के लोग भारत को आज भी जगत गुरु कहते हैं, धनी इतने पड़े हैं, समझते हैं कि जैसे हाँ धन से सुख नहीं हो सकता। तो उसी तरह से गुजरात में गई तो वहाँ धन के मारे लोगों ने मेरा अनादर करना आरंभ कर दिया, और हमारे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे, वैराग्य माने क्या, संसार से अटैचमेंट का ना होना। ये संसार में आने का और दुखी होने का कारण यही है, अटैचमेंट है, आसक्ति, जो चीज नहीं है उसके प्रति उसी रूप में आसक्त, इसका नाम है आसक्ति। धन आप कहां से ले आए, धन तो यह पृथ्वी तो जहां यहीं पर के यहीं पर है। आज सोचते हैं जी आज हमने यहां की पृथ्वी खरीद ली, ये मेरी हो गई, आज हमने या वो मेरा हो गया, और इसके पहले किसका था, और फिर पीछे किसका रहेगा। इसलिए यह सब प्रभु का ही है, ये अभिमान है, ये यही अटैचमेंट है। आपको किसी से नहीं अटैचमेंट, कोई नहीं भी आते कुत्ते से अटैचमेंट हो जाएगा, विशेषकर के पाश्चात्य देश में जहां जहां गया, और उस अटैचमेंट से होगा क्या, उसी का चिंता करते करते जब मरे तो फिर कुत्ते होकर के आए, जो जिसका मरने के समय जैसा चिंता करेगा वैसा ही होकर के आए। और यदि भगवान की चिंता की जाए बस मुक्ति हो जाए संसार से, फिर तो कभी जन्म ही नहीं हो। बहुत बड़ा रहस्य इसमें, सब इसमें सब भागवत में आएंगे। तो जब बूढ़ी हो गई और हमारे बच्चे सेंसलेस हो गए, मैं तो सेंसलेस नहीं हुई क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पर भी भक्ति का पुट है, इसलिए मैं तो जीवित रही किंतु बूढ़ी हो गई, और हमारे बच्चे तो एकदम बेहोश हो गए, माने कोई ज्ञान और वैराग्य को पूछता ही नहीं, इसलिए एकदम बेहोश। मैं किसी प्रकार से उनको लेकर के अब वृंदावन में आई, वृंदावन में आते हैं मैं तो जवान हो गई, किंतु हमारे बच्चे बूढ़े के बूढ़े अभी पड़े हुए हैं, न इनको होश है। आप कोई उपाय कीजिए जैसे ये लोग ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा अच्छा मैं देखता हूं क्या बात है। वो चले गए, चलते 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 चले गए हरिद्वार, और द्वार से बद्री नारायण होते हुए वहां पर, और वहीं पर उनके बड़े भैया से भेंट हुई। बड़े भैया कौन, चतुर्सन, सनक, सनंदन, सनातन, सनंदन, ये चारों भाइयों से भेंट हुई। उन्होंने कहा जी तुम किस लिए घूम रहे हो, कहा जी कुछ बात आपसे पूछनी थी। वो वहाँ पर एक स्त्री है भक्ति, और उसके ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं, और वो होश में नहीं आ रहा है, और वो बड़ी दुखी है। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जाओ उनको भागवत सुनाओ, नहीं तो बुलाओ यहीं पर, बस हरिद्वार एक जान जानते हैं हरिद्वार, वहीं पर जहाँ पर कि वो शंकर जी ने हर की पौड़ी नहीं, हाँ दशती का देह त्याग, उसी के पास में गंगा के किनारे में यहीं पर भागवत की कथा हो, और उसमें वो भी आए, सब लोग आए, और आप भी सुनो वहाँ, और सब लोगों को बुलाया गया, और उन्होंने भागवत की कथा सुनी। साथ साथ में इस श्रीमद् भागवत में भक्ति की तो बात है ही है, तत्व ज्ञान और वैराग्य पुरुष में भरा पड़ा है। संसार में रहते हुए जनक के समान में रह करके सभी काम ठीक से कर सकते हैं, किंतु वैराग्य भी रहेगा, और तत्व ज्ञान जी ये कैसे जगत की सृष्टि हुई, क्यों हम लोग बद्ध हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे इस जीवन में सुखी रह सकते हैं, इसकी कलाएं भी इसमें हैं। अनायास ही रूप में एक आदमी बहुत दुखी है, संसार से एकदम त्रस्त हो गया है, और केवल दो मिनट हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
इतना नहीं कहने आता, राम राम कह दे, कृष्ण कृष्ण कह दे, नारायण कह दे, एक नाम जीवन में आर्त हो करके, जे प्रभु ये हमारी आज सुन तो लें, बस देखे जैसे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसके उदाहरण इसमें दिए, अभी भी लाखों उदाहरण इस जगत में हैं। हम लोगों की जो पूजा संसार में जो कर रहे हैं सब जगह में, किस लिए? ये हरिनाम करते हैं, कुछ ज्ञान विराग भक्ति ये सब इसे श्रीमद् भागवत से मिला। इसलिए केवल भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष में जहाँ भी जाते हैं लोग आदर करते हैं। कहाँ, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, इधर उधर कलकत्ता, कहाँ जहाँ जाते हैं सभी लोग आदर करते हैं। आप लोग तो यहाँ कम हैं, 20,000 आदमी एक एक सभाओं में आते हैं। अभी हम लोगों के साथ में गए थे लोग, जो अभी उस होंगे दो एक इसके ये साक्षी हैं, और भी कोई होंगे। अभी देखो ये कितने 20,000 आदमी हम लोग परिक्रमा में कैसे कर रहे हैं और कैसे एकदम चुपचाप सुन रहे हैं जो कहते हैं उसको बात में। कहाँ कहाँ से विश्व से लोग आए हुए हैं, नहीं जाने से आप लोग समझ नहीं सकते। यहाँ तो कितने, यहाँ तो होंगे, और कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि हजारों आदमी भी विदेशों में आते हैं और सुखी हैं सुनने से। जरूर हरिनाम में और इस में इतना इतनी शक्ति है, जीवन काया पलट कर देगी। ऐसे कहेंगे मालूम नहीं होगा किंतु भीतर से काया पलट हो जाएगा, आप लोग सुखी हो जाएंगे। तो सुनते ही भक्ति परम सुखी हो गई। और वो दोनों लड़के कैसे हो गए, नौजवान, वो भी नौजवक हो गए। और इसके बाद में उनका परम कल्याण हुआ। भक्ति ने कहा, नारद जी आप सब कुछ जानते थे, और भक्ति भी नहीं जानती, किंतु जगत में इस कथा का प्रचार करने के लिए ये कथाओं का हुआ जो 7 दिन अंतर तक सुने आदमी अच्छी तरह से, तभी न कुछ समझ में आएगा, रियल स्थिति समझेगा जीवन की। जो कुछ कर रहे हैं एक उदाहरण से समझ लीजिए, कोई एक महाराजा बहुत धनी अमीर, सेनाएं हैं, राज्य कोष है, एक कोई संत उनसे मिलने के लिए गए। राजा को खबर दी गई कि महाराज कोई संत आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा आज फुर्सत नहीं है, कुछ आया होगा मांगने के लिए, जरूर कुछ हमसे निकाल लेगा, कुछ ना कुछ मांगेगा। उन्होंने कहा आज समय नहीं है, 2-3 दिन के बाद में आने। 2-3 दिन के बाद में फिर आया, उन्होंने कहा जी आज भी समय नहीं है, फिर आने के लिए कहना। 2-3 दिन और उनको हटा दिया। साधु भी ऐसे तैसे नहीं थे, उन्होंने देखा जी ये तो मिलेगा नहीं, इसकी धारणा ठीक नहीं है, इसलिए उनकी स्त्री को खबर दिया जी महारानी जी एक विशेष कार्य है, आपसे मिलना चाहता हूँ। साथ ही साथ वो बड़ी दयालु थी, उन्होंने बुला लिया, क्या आपकी सेवा करूं? तो सेवा की कोई जरूरत नहीं है, मैं साधु भी हूं और साथ साथ में एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं जानता हूं कुछ इस सब चीज़ों को, गणना जानता हूं। आपके पति के 15 दिन की आयु थी जब मैं पहले आया, मैं चाहता था जी इनको बतला दो जी 15 दिन की आयु है, इसमें आप कुछ कर लीजिए, किंतु हमसे भेंट ही नहीं किया, आपको बतला रहा हूँ 5 दिन तो ऐसे गया, 10 दिन की आयु है, जो कुछ करना है कर लो। वो बड़ी चिंतित हो गई, साथ ही साथ में राजा को बुलवाया, राजा भी आ गए, और तब तक ही ये कहीं निकल करके चले गए महात्मा जी। रानी ने बतलाया जिसे आपकी उम्र केवल 10 दिन की है, वो साधु बोल गया, अब वो कह रहा था जे जरूर होगी मृत्यु, हमको वहीं जेल में भी रख दो, देखो जब 10 दिन के बाद में मरते हैं कि नहीं, तो जो कुछ करना है कर लो। भाई क्या करें, साधु को देखो तो ये कहाँ गया, ढूंढवाए ढूंढवाते ढूंढवाते किसी नदी के किनारे में भजन करते हुए किसी पेड़ के नीचे में मिले, उनको बुलवाया, साधु को से पूछा भाई आप सचमुच कहें जी हम मेरी मृत्यु होगी, तो जरूर होगी, मैं इसीलिए तो आया था जी, आप अच्छे आदमी हैं आप कुछ कर लेंगे, तो मैं क्या करूं, तो तुम सोचो जो क्या करोगे। बड़े चिंतित हुए,
क्या करूं, आपको समझ में नहीं आता। उस समय में उन्होंने कहा जे देखो तुमने बहुत अच्छे कर्म अपनी माता पिता की सेवा की है, बहुत धार्मिक काम, कुछ दान पुण्य भी किए हैं, कुछ बुरे कर्म भी किए हैं, किंतु फिर भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग तुम जाएगा, वहाँ पर सारे सुख उपलब्ध होंगे, किंतु एक बात है वहाँ पर मच्छर हैं बहुत आजकल, काले काले इंडिया से किसी प्रकार से मर करके मच्छर बने हैं खूब लंबे लंबे, और मलेरिया हो जाएगी वहाँ, इसलिए वहाँ पर मच्छरदानी भी है किंतु एक कोने में फटी हुई तुम्हारे लिए जो दी गई है उसमें से मच्छर जले जा सकते हैं, इसलिए सुई और धागा थोड़ा सा यहाँ से ले जाना, वहाँ पर सुई धागा नहीं है, बाकी सब कुछ है, बाकी सब तुम्हारे अपना थोड़ा सा रिपेयर कर लेना ठीक हो जाएगा, सुई धागा ये कैसे ले जा सकता हूँ, अरे बेवकूफ तुमने किया क्या, यदि सुई धागा भी इस जगत से नहीं ले जा सकता है तो तुमने किया क्या, ये सारा जीवन दिन रात उसी में रचे पचे हुए क्या किया, कुछ करेगा काम, आप ही लोग बतलाइए, मरेंगे, मरना तो जरूर है, ये ऐसा मत समझिए जो महाराज जी ऐसा कोई बुरी बात कर रहे हैं, नहीं जानना पड़ेगा, किंतु उस समय ये जगत के सोने रुपए पैसे बैंक खजाना ड्राफ्ट इत्यादि कुछ जाएगा, विचार करो, ये शरीर भी नहीं जाएगा, तो ये क्या कमाया, दिन रात जो सवेरे से भोर में 4 बजे घर से निकलते हैं और 9 बजे घर में लौटते हैं, बच्चों से और अपनी बीवी से भी प्रेम से नहीं बोल सकते हैं, बीवी भी काम कर रही है, बच्चे भी, लड़की भी, लड़का भी, सबको लगा रखा है, क्या होगा आखिर, कुछ भी, एक सुई धागा जाएगा, सुई के बाद छोड़ दो धागा ही लेकर के जाओ, विचार करके देखें किस लिए कर रहे, कुछ सोचो तो जरा, यद्यपि ये कहानी वेद और उपनिषद की नहीं है किंतु शिक्षापूर्ण है, विचार करके देखो क्या कर रहे हैं हम दिन रात, एक कुत्ता खूब बिजनेस बिजी होकर के जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ रहे हैं समय नहीं है, ठहर जाओ, गया एक मील पोस्ट के ऊपर में थोड़ा सा पेशाब किया फिर वहां से लौटा बड़ी तेजी के साथ, तो हम सारे आदमी यही कर रहे हैं, हाँ जो भगवान का कुछ स्मरण करते हैं नाम करते हैं अपना घर का काम वो तो ठीक है, किंतु जो दिन रात इसी में लगे हुए हैं अपने दुखों कष्टों को भोजने के भूलने के लिए शराब और ये सब दारू पी लेते हैं और एकदम सो जाते हैं, जब मैं थोड़ा सा सो तो जाऊं किस लिए, भूलने के लिए, और सवेरे उठते हैं तो सबसे चिंता होती है ये समस्या से, इसलिए ये सब समस्याओं का निदान इसमें हो सकता है, आप संसार का काम भी करेंगे सब कुछ करेंगे, सुई धागा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ जितना वैभव उससे लाखों कोटि वैभव मिलेगा, वहां जन्म मरण से अतीत होकर के अपना सुख से भोग करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, बस इतना ही करने से हो जाएगा, इसलिए विश्वास नहीं है तो इसलिए इसमें तरह तरह के उपाख्यान दिए गए, आज भी ऐसे लाखों उपाख्यान हैं, हम लोग उसको अनुभव करते हैं, आप लोग मानेंगे न मानेंगे, अभी हम लोग सिलीगुड़ी इंडिया में एक जगह है वहां पर गए, एक आदमी था वो हिंदू मुसलमान, जब वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान हुआ तब कितने लोग मारे गए सब उसमें, तो उसमें वो भी था कितने लोगों को मारा है और कितने, और लंबे चौड़े जवान और बहुत धनी आदमी, उनके पीछे पीछे हजारों आदमी चलने वाले, वो सिलीगुड़ी में आकर के अंत में बीमार पड़ गए, दिन रात यही बकते हैं, मैं मरा मरा मरा, जल गया जल गया जल गया, ये कोई बचाओ बचाओ, बस दिन रात ही, हम लोग करीब करीब 10-12 सन्यासी और 15-20 ब्रह्मचारी वहाँ गए, लोगों ने उनके यहाँ बुलाया जैसे ये बड़े दुखी हैं, अच्छा चलो गए, उनको हमने कहा जैसे भाई राम राम तो करो, बस मैं जला मैं मरा, क्यों नहीं करते, तो मैं कह नहीं सकता राम नाम ये कह ही नहीं सकते, इसलिए कहना सहज नहीं है, ये जो उस समय निकल जाए बस वही याद आती है,
बड़ी मुश्किल से हमने कान में कहा, तुलसी पत्र दिया और साथ ही साथ में चले गए। इस तरह से हम लोग हजारों देखते हैं संसार में। एक गाय मर नहीं रही थी, मथुरा में मर ही नहीं रही, पेट फूल गया है, आंख से आंसू गिर रहे। एक महिला थी, हमसे आकर के बोली, जैसे मैं क्या करूं, उसको देख करके बड़ी दो तीन दिन से पड़ी। उन्हें जाकर के कान में कहना, जे ए हे गौ माता, आपको मैं एकादशी का एक एकादशी का फल दे देती हूँ। एक एकादशी जनी हमने किया और भगवान का नाम राम और कृष्ण सुना दो। दूसरे दिन जाकर के स्नान स्नान करके गई और जाकर के गैया मैया को प्रणाम करके बोली, हे गौ माता, यदि हमने एक दिन भी शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत किया हो वो फल देती हूँ। और हरि नाम उनको सुना दिया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस उसके तरफ में देखती हुई और बस एक क्षण में प्राण छोड़ दिए। लाखों उदाहरण, ये भागवत उसी का खजाना है, इसको विश्वास के साथ में सुनेंगे और जो कुछ करते हैं करते रहिए, इसमें कोई भी बात नहीं है, किंतु भगवान का भाव लेकर के। एक ब्राह्मण था, उसको लड़के नहीं थे, विवाह हुआ, ये भागवत स्कंद पुराण की बात है। बेटा नहीं होने से बड़ा दुखी, एक दिन काशी में गया और शंकर के जो काशी विश्वनाथ है उनके सामने जा करके खाना पीना छोड़ करके और उनकी आराधना करने लगा, बस मुझे एक बेटे की जरूरत है, मैं सुखी हो जाऊं। शंकर जी ने उसके अंदर में प्रेरणा दी, देखो भाई बेटे पेटे से आदमी सुखी नहीं होता है, तुम भगवान का स्मरण करो। नहीं, हमको एक पुत्र चाहिए। अच्छा, शंकर ने उनको कुछ ऐसा कर दिया, जैसे जाओ ये ले जाओ फल कोई और अपनी स्त्री को खिला देना। बहुत प्रसन्न हुआ और गया अपनी स्त्री को कहा कि देखो इस फल को तुम खा लो आज स्नान करके और तुम हो अच्छा पुत्र हो। ले तो लिया, किंतु वो सोचने लगी, यदि खाने के बाद मुझे गर्भ होगा तो बहुत बड़ा पेट हो जाएगा, तो चलने फिरने में बड़ी कष्ट होगा, और फिर बच्चे को लेकर के इतना ढूंढूं, मैं घूमूंगी कैसे, खाना पीना भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा, और फिर दिन रात उसी की सेवा, ये मुझसे नहीं होगा। उसने अपनी गैया को खिला दिया और अपनी बहन को बुला करके कहा, जे तुमको बेटा होने वाला है, तुम बेटा हमको दे देना चुप्पे, और तुमको पैसा देंगे और काफ़ी मालोमाल कर देंगे। वो राजी हो गई, वो गैया को खिला दिया, गैया को सिख समय पर एक बेटा हुआ, उसका कान हुआ कैसा, गाय जैसा, बहुत बुद्धिमान, बहुत सुंदर सुकांत, किंतु कान केवल गाय जैसा। और वो अपनी बहन को जब लड़का हुआ तो वो लड़का चुप्पे से रात में दे गई और उसको ले लिया, कहा जी हमको बेटा हुआ है। उसका नाम रखा गया धुंधकारी, धुंधली उस स्त्री का नाम धुंधकारी रखा गया। बचपन से ही बड़ा बदमाश, शराब पीना और लोगों को तंग करना, बच्चों को मारना, इधर करना उधर करना, किसी को आग लगाना, बस यही सब करने लगा। और ये वेदों का अध्ययन किया, बहुत शांत सुशिष्ट और भगवत भक्त हुआ। कुछ दिनों के बाद में उसने अपने माता पिता दोनों को मारा, धुंधकारी ने अपने पिता को तो पहले से तंग किया, तो वो वन जंगल में चले गए और एक कुएं में गिर करके मर गए। और मैया को उसने मारा, मैया किसी तरह से कुएं में गिर कर या कैसे वो मर गई। और इसके बाद में वेश्याओं के साथ में वो शराब पीता और चोरी करता, डकैती करता और पैसे लाता। एक दिन बहुत पैसा लाया, बहुत काफ़ी पैसा मिला, वेश्याओं ने देखा जैसे ये पैसा हड़प लेना चाहिए, और इसको पैसे ले लिया और उसको साथ ही साथ में जलते हुए अंगार की लकड़ी से उसे जला करके उसे मार डाला, पीट करके, 10-5 थी, सबने मिल करके इसको बड़ी जोर से मारा और आग लगा दिया और पृथ्वी आंगन में ही उसको गड्ढा खोद करके उसे ढक दिया। कुछ दिन के बाद में महाभयंकर वो प्रेत हुआ, और उस रास्ते से किसी को न चलने दे, घर वाले सब, अब तो कोई घर में था नहीं, और वो जो
गोकर्ण, वो तो बेसाएं तो भाग गई वहां से, और गोकर्ण उसका जो भैया था वो तीर्थ में चला गया। तीर्थ में उसको पता चला कि हमारा भाई मारा गया है, तो गया में पिंड दिया, पुष्कर में पिंड दिया, कुछ भी नहीं हुआ। जब घर में कुछ दिनों के बाद में लौट करके आया तो गांव वालों ने कहा जिस घर में मत जाना है, इसमें भूत है, प्रेत है, तुम्हारा भाई प्रेत हुआ है, आज मैं यहीं रहूंगा। भगवान का स्मरण करता हुआ वहां पर रह गया। रात में बड़ा उत्पात, कभी भैंस का रूप, कभी भैंसे का रूप, कभी बाघ, कभी कुछ हो करके आए और पत्थर मारे और सब मारे। उन्होंने कहा तुम है कौन? तब वो रोने लगा और रो करके बोला जे मैं तुम्हारा भैया धुंधकारी हूँ, मैं ऐसे ऐसे मरा, यहाँ पर प्रेत होकर के पड़ा हूँ, मुझे भूख लगती है, पी नहीं सकता पानी, खाने की सभी चीजें मैं छू नहीं सकता, आग दिन रात शरीर को जलाए रखती है, मालूम है जल रहा हूँ, आप मुझ पर करुणा करें, यह मेरा किसी प्रकार से उद्धार हो। अच्छा ठीक है, तब हो गए सूर्य की उपासना की। सूर्य ने कहा जी श्रीमद भागवत का तुम पाठ करो और ये इसका उद्धार हो जाएगा। वहां से आकर के उन्होंने एक हरा बांस रखा और उसमें उसको मंत्र के द्वारा बुलाया और वो मंत्र के द्वारा वो प्रेत उसमें आया और भागवत को उन्होंने पाठ, पहला दिन पाठ किया उसकी एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सात गांठ का बांस, सातवें दिन एकदम जब पूरा भागवत हो गया, विमान स्वर्ण का आया और उसको लेकर के चला गया धुंधकारी को, एकदम सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया और परम प्रसन्न होकर के उसको बैकुंठ के दूत ले गए। अब इनको संदेश हुआ जो पाठ कर रहे थे प्रवचन गोकर्ण जी, भाई हम लोग इतने सुन रहे थे और मैं बोल रहा था, वो तो चला गया और हम यहीं पर रह गए और इतने आदमी जो सुन रहे थे वो रह गए, क्यों? फिर उसका समाधान ये हुआ भगवत वाणी के द्वारा, जिस नियत से वो सुन रहा था, जिस आग्रह से सुन रहा था, जिसको पालन करने के आग्रह से नियत से सुन रहा था, आप लोग उस आग्रह से, श्रद्धा से और आदर से नहीं सुन रहे थे और न बोल रहे थे, अब फिर से उसी रूप में आप बोलिए और सुनिए तो देखिए क्या। फिर उन्होंने भागवत सात दिन का किया और सब लोगों ने मनोनिवेश करके सुना, साथ ही साथ में सब लोगों की मुक्ति भी हो गई और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। ये दो श्रीमद् भागवत में इसके स्कंद पुराण में इसके महात्म्य लिखे। किंतु यह बात ठीक है, यदि कोई भागवत मन से सुनेगा, कोई सो मत, कोई आंख बंद मत करो, मन से इसे सुनो, यदि पालन भी नहीं कर सकोगे सुनोगे भी तभी कुछ फल जरूर होगा, अवश्य में होगा। आज अभी 8:15 होने जा रहा है, मैं आज आरंभ थोड़ा सा करके कल से फिर मैं कहूंगा, आज थोड़ा सा आरंभ कर रहा हूं। कलयुग को आने में, कलयुग क्रय आने ही वाला था, कलयुग माने क्या, कलिंग कलहं लाति इति कलि, यहां पर बिना किसी कारण के ही कलह होता है। पति और पत्नी चाहते हैं कि हम बड़े प्रेम से रहें, किंतु कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है बिना कारण की ही, बिना बुलाए पति और पत्नी में भी प्रेम नहीं रहता, कलह हो जाता है। बच्चों को इसलिए हम उत्पन्न करते हैं जैसे वो हमारे बूढ़ावस्था में ठीक से रहें, बच्चों से भी नहीं बनती, बड़े हो जाते हैं, उनकी विवाह शादी कर दी, वो भी अपना अपना देखने लग चले जाते हैं, उनसे भी दोनों भाइयों में भी नहीं बनती, पास पड़ोसों से भी नहीं, किसी बात से के लिए झगड़ा हो जाता है, राष्ट्र इतने परस्पर राष्ट्र, अभी देखिए बिना कारण का कारण अभी यूगोस्लाविया में क्या हो रहा, पहले इराक या ईरान में क्या हुआ, कहाँ कहाँ ये सब, कोई शांति और सुख से नहीं है, विशेष करके ये कलयुग में बिना कारण ही आप दोनों भजन कर रहे हैं, दो व्यक्ति, कोई भी बुरा उद्देश्य नहीं, किंतु किसी कारण से दोनों में ही अनबन हो गई, एक दूसरे का मुख नहीं देख सकते, क्यों? जानते हैं जी वो भी भगवान का भजन कर रहा है, वो भी कर रहा है, तभी हमारी स्त्री दिन रात भजन करती है, उससे विरोध का कारण क्या,
वो हमारा कल्याण चाहती है और हम उसका कल्याण चाहते हैं, विरोध क्यों? ये कली है, ये काल ही कुछ ऐसा है। सतयुग में ऐसा नहीं होता है, कुछ काल का भी प्रभाव है। आप बेटी के लिए सर्वस्व सब कुछ किया और वही आप पर बंदूक का घोड़ा तानता है बिना किसी कारण के। जिसके लिए आपने सर्वस्व किया उसी से लड़ाई हो जाती है। शत्रु जो होते हैं जो किसी कारण, वो फिर उनमें फिर भी मित्रता हो जाती और फिर उनमें भी झगड़ा हो जाता है। ये कली काल ही ऐसा, विशेष करके एक अर्थ ऐसी चीज है, जब अर्थ पर विश्वास होने लगता है तो स्त्री पर भी विश्वास नहीं करता, बेटों पर भी विश्वास नहीं करता, पिता पर भी विश्वास नहीं करता, बैंक बैलेंस अलग अलग होने लगता है और फिर ये विवाद लग जाता है बिना कारण का। अरे पैसा किस लिए हम रोजगार करते हैं? स्त्री और बेटे के लिए तो, और बेटा भी जानता है ये किस लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ही तो, किंतु फिर भी सब्र नहीं होता। तो कोई कारण न होने पर भी परस्पर ये होना, ये कली का भी कुछ कार्य है। कलयुग में केवल ये एक यही बात है, इतनी समस्याएं होने पर भी यदि कोई जानते हुए अनजान में भी भगवान का नाम कर ले बस उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष जो समस्याएं हैं रहें, कोई बात नहीं, जरा धैर्य के साथ में रहे, विचार करे वैराग्य के साथ में, किस लिए? इन्हीं लोगों के लिए तो। पिता किस लिए करता है? अपनी पत्नी और बेटे के लिए ही तो करता है। और पत्नी किस लिए करती है? अपने बेटे और स्वामी के लिए तो सर्वस्व करती है। विवाद नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बात, जब उसने अपना सारा जीवन दे दिया हमें तो थोड़ी सी बात के लिए क्यों बात को बतंगड़ करना है? उसमें बात में कुछ नहीं है, केवल समझने का हेर फेर है, थोड़ा सा समझ लिया जाए बस समस्या हो जाए, कोई मतभेद का कारण नहीं है कि भी हो जाता है। इसलिए ये कली है, विशेष करके कोई कारण नहीं होने पर भी ये विवाद खड़ा कर देता है। अब कली आने वाला था और भारतवर्ष के करीब 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में विचार करने के लिए आए, जी अब तो कली आ रहा है बड़ी भयंकर, हम लोगों में भी झगड़ा पैदा कराएगा और भगवान को स्मरण करा देगा, इसलिए क्या ऐसी कोई चीज की जाए जिससे कि हम लोग भी बचें और संसार को भी बचा सकें। उसी समय में सुत गोस्वामी थे उग्रश्रवा, ये सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे और उन्होंने भागवत श्रवण किया था परीक्षित महाराज जी की सभा में, और अभी छोटे से बच्चे थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के, सारा श्रीमद् भागवत मुखस्थ, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण, परम विरक्त। उनसे इन लोगों ने पूछा क्या, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, विशेष करके ये कलयुग विशेष करके आने वाला है, थोड़ी सी आयु होगी, कितनी आयु? सत्ययुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, बहुत बुद्धि होती थी, 10,000 वर्ष तो बिना पानी पिए ही रहते थे और बिना हवा पिए, हिरण्यकश्यप और बड़े बड़े लोग, ध्रुव इत्यादि की तपस्या, सब सत्ययुग की बात, इसलिए लाखों वर्ष की आयु होती थी। और त्रेता युग में कम गई, आधा हो गया, तो भी 50-60 हजार वर्ष की उम्र भी रहती थी, और उससे द्वापर आया तो उसमें भी और आधा का आधा हो गया। कलयुग में अधिक से अधिक साधारण रूप में अनुपात रूप में 100 वर्ष की आयु रखा गया, 100 वर्ष में कोई 50 वर्ष में ही, कोई कुछ और कम में, कोई 60 में, 70 में, 80 में, अब तो कुछ वैज्ञानिक उन्नति होने से थोड़ी सी आयु और बढ़ गई, किंतु मान लिया कि जब 100 वर्ष की आयु है, कितनी समस्याएं, सोने में 50 वर्ष गया, 50 वर्ष जगते, 50 वर्ष सोने, और जो अजितेंद्रिय व्यक्ति हैं जिनकी इंद्रियां दमन नहीं हुई है, शराब पीने वाले और गंदे काम करने वाले और सब, उसका उससे भी अधिक, अंततः आधी आयु तो सोने में और इधर में चली गई। 20
20 वर्ष तक लिखने पढ़ने, बचपन और लिखने पढ़ने तक एक्सपर्ट होने में आजकल 24-25 वर्ष भी चला जाता है किसी विषय में एक्सपर्ट होने के लिए, डिग्री हासिल करके अपने रोजगार कर सकें। तो ये 20 वर्ष भी ऐसे गया। और उधर में 80 से 100 तक ये 20 वर्ष आयु कुछ कर नहीं सकते, इसलिए 60 वर्ष में ही रिटायरमेंट गवर्नमेंट देती है। किस लिए? किस लिए? जानते हैं कि अब 60 वर्ष के बाद में अधिक नहीं काम कर सकता, इसलिए उनको हटा देती है। उनको पेंशन दे करके हटा करके भी, दूसरों को महीना दे करके, इनको पेंशन दे करके भी संतुष्ट रखती है, किंतु इनसे काम अधिक नहीं होगा। तो 80 वर्ष से 100 वर्ष में आदमी कुछ काम नहीं कर सकता, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो वो 20 और वो 20, 40 और 50 और आधा चला गया, बाकी रह गया 10 वर्ष। इसमें इतने काम, धंधा, विवाह, शादी, बच्चे को पालन पोषण, घर बनाना और सब काम, कब भगवान का भजन करेगा? इसलिए बड़े लोग चिंतित थे। उन्होंने उनसे पूछा, जैसे हम लोग कैसे कल्याण हो, कोई क्या करें? सब लोगों ने मिलकर के स्थिर किया, हम लोग तो विरक्त सन्यासी साधु जैसे हैं, हम लोग बैठ करके भगवान की कथाओं को सुने और तब तो सब समय चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, कली हमको स्पर्श न करें। इसलिए उन्होंने सत्र बनाया, सत्र माने कथाओं का सत्र। आजकल अन्न का सत्र भारतवर्ष में बहुत चलता है। सत्र माने क्या? वहाँ पर रोटी वोटी बनती है, रोटी सब्जी हलवा टलवा सबको दिया जाता है जो आए, अन्न क्षेत्र। तो वहाँ पर कथा का क्षेत्र नहीं का, जो आए हरि कथा सुने, कोई भी रुकावट नहीं। तो वहाँ पर लगा और वहीं पर उन्होंने कहा, कैसे संसार में सहज से सहज रूप में जीवों का कल्याण होगा? तो कली काल में एक तो आयु कम और उसमें समस्या, बचपन से ही समस्या, दिन रात दूसरी चिंताएं करते हैं। इसलिए ऐसा क्या किया जाए जैसे हमारी आत्मा का कल्याण हो, यही चिंता कर रहे थे। सुत गोस्वामी छोटे उम्र में होने पर भी उनको बैठाया व्यास गति पर और वो भगवत का प्रवचन करने लगे। जो सुनिए आप लोग, इसी से कल्याण होगा। इसमें भगवान की लीला कथाएं हैं, तत्व ज्ञान है, इसमें कुछ नहीं करने, केवल सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि कोई भगवान की कथाएं नहीं सुनता, चाहे लाख बैरागी और त्यागी है, चाहे धार्मिक है, भगवान का नाम ही नहीं करता, उसका कल्याण होना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए भागवत की कथा उन्होंने आरंभ की। आज हम आरंभ कर रहे हैं। आप समस्त शास्त्रों को अध्ययन करने वाले हैं। ब्रियु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अपि, कह रहे हैं कि देखो गुरु का कर्तव्य है, शिष्य यदि स्निग्ध है तो उसे कोई चीज छिपा करके नहीं रखता। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए, यदि शिष्य पुत्र अच्छा है, पिता का आदेश पालन करने वाला है, तो उसे कुछ भी नहीं छिपाता, अपनी सारी चीजों को उसे दे देता है। उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को यदि स्निग्ध हो तो सारी चीजों को जो उसने अनुभव किया सारे जीवन में भगवान का भजन करके, कैसे वो सुखी है, वो सबको उसको बतला देता है। आप मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपदत्र, ये कली काल में एक तो उम्र कम और काम बहुत बचपन से ही, मंदा उनका भाग्य भी मंद, काम करते हैं बिजनेस में ठप हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, समस्याएं आ जाती। सुमंद मतयो, मंद भाग्य भी है और तरह तरह से उपद्रव हैं, तरह तरह से रोग हैं, भूरी कर्माणी बहुत से काम उनको करने हैं बचपन से ही, स्वतव्यान विभाग सब और बहुत सी चीजें, देश में क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, वहां तरह तरह की समस्याएं। अतः साधु अत्र हे महान पुरुष, जत्सारम समस्त अपनी बुद्धि से जो आपने शास्त्रों का निचोड़ जो आपने किया है वो अपनी बुद्धि से आकर के
हमें बतलाइए, ब्रूहि न शब्द धानो जेनात्मा प्रसम प्रसिद्धति, जिसे हमारी आत्मा प्रसन्न हो, संसार में रहते हुए भी हम प्रसन्न रहें और इसके बाद भी हम प्रसन्न रहें, आप ऐसी कोई बात लाए। तब उन्होंने प्रणाम किया सुखदेव गोस्वामी को, अपने गुरु को। यंग प्रव्रजन तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरोभिनेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनिमातु। यश्वानुभाव अखिल श्रुतिसार में एक अध्यात्म दीपम अतितर्षतां तमोन्दम संसारिणां करुणाया पुराण गुह्यम तम व्यासुन मोपयामि। उन अपने गुरु जी को प्रणाम किया। किस रूप में प्रणाम किया, हम लोग अब कल से आरंभ करेंगे। बहुत सुंदर और मधुर कथा होगी, नींद भी नहीं आएगी। मधुर कथा से सरल सहज भाषा में मैं बतलाऊंगा। तब एक बात करूंगा, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और शुद्ध कल्याण के लिए। इसमें कुछ बातें ऐसे भी आएंगी जो जरा कठोर मालूम पड़ेंगी। कठोर सत्य जिसको कहते हैं, कठोर सत्य समझते हैं ना, अप्रिय सत्य। अप्रिय सत्य जैसे आपको कोई रोग हो गया है और मैया पंखा दे रही है, फोड़ा फुंसी हो गया, आपको जलन हो रही है, कष्ट हो रहा है और घाव बिगड़ गया है, तो थोड़े मुख से ऐसा करने से थोड़े अच्छा होगा, या पानी से ठंडा देने से वो नहीं होगा। उसको तो ऑपरेशन करके उसके मवाद को, उसके चीजों को अलग हटाना है ना। तो ये अप्रिय कार्य है, किंतु है ही वही मंगल का। ऐसे श्रीमद्भागवत में जो हमारी जहाँ जहाँ आसक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर में कमियाँ हैं, वो खोल करके बतला देंगे और हम लोगों को उसमें स्वीकार करने पड़ेगा। क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त ग्रंथों के बनाने के बाद भी व्यास जी को प्रसन्नता नहीं हुई, इसी से प्रसन्नता हुई। इसमें सत्य रूप में, निरपेक्ष रूप में, अच्छा लगे बुरा लगे लोगों को, किंतु अच्छी बात बतलाई गई, इसे हमारा कल्याण। इसलिए आप लोग खूब सावधानी से श्रवण करेंगे और जहाँ तक हो सके इसको वेद जैसा मानेंगे, इस पर विश्वास के साथ में सुनेंगे, देखेंगे जैसा इसी तरह से रहेंगे मालूम नहीं होगा, किंतु जीवन में सुखी और शांति हो जाएंगे और भविष्यत के लिए भी आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। गौर प्रमानंद। हम कृष्ण के बारे में ये और एक बात करना, अब कल से भागवत के प्रारंभ में और अंत में आरती की व्यवस्था रखना। एक छोटा सा प्रदीप यदि हो तो ले आइए, है बनाई है। अच्छा, तो ये कीर्तन कर लो तब लेकर के, अब कीर्तन हो जाए तब उसको जला करके ले आना। आरती करें।
जय श्री श्री गुरु गौरंगा ब्रज गचार्यूर भक्ति महाराज की जय किरुपाल गुरुवर की जय अनंत वैष्णव बृंद की जय हरि राम संकीर्तन श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि बोल। कल की कथा शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ होगी। आप सब लोग इसी प्रकार से कल उपस्थित होइएगा। कल 6:30 बजे भागवत कथा प्रारंभ होगी। आज एकादशी है तो आज एकादशी का प्रसाद है, पीछे प्रसाद टेबल पर लगा हुआ है, आप सब लोग प्रसाद लीजिए। ये आप अपने घर
कैसे हो? बस अरे कितना बड़ा हो गया।